इस मैथ्स प्रॉब्लम में आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह ए बी सी एक दूसरे से अलग और पॉजिटिव नंबर्स है। इनके एडिशन ए ए बी बी और सी सी के एडिशन ए बी सी आनी चाहिए, जो एक दूसरे से अलग है और पॉजिटिव नंबर्स है। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। वीडियो को शुरू करते हैं। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जब भी ए ए बी बी और सी सी को ऐड करते हैं तो अपने को आंसर ए बी सी आना चाहिए। और पहले हम लोग ए जो 100 प्लेस पे है उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ए की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, जब भी हम लोग 77 प्लस 88 प्लस 99 ऐड करते हैं तो जो 100 प्लेस पे ए की जो वैल्यू ये ज़्यादा करके दो नहीं तो एक आ सकती, तो ए की जो वैल्यू है ये दो नहीं तो एक आ सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस जो है वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस यानी वन प्लेस पे ध्यान देंगे कि उसकी वैल्यू कैसी आ सकती है और क्या आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ए की वैल्यू तो अपने को समझ में आई कि ए जो दो नहीं तो एक आ सकती है। अभी यूनिट प्लेस पे हम लोग आने के बाद आपको एक पता चलता है कि ए और बी इसको ऐड करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आना चाहिए, तो ज़ीरो में हम लोग सी ऐड करेंगे तो अपने को सी मिलेगा। तो आपको पता है कि यदि अपने को ए की वैल्यू जो दो है तो बी की वैल्यू ये 8 हो सकती है, नहीं तो ए की वैल्यू समझो 1 है तो बी की वैल्यू जो है वो 9 आएगी, तभी 2 + 8 = 10 आएगा, नहीं तो 1 + 9 ये भी 10 आएगा। और 10 में सी ऐड करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे सी रहेगा और अपना जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते कि अपने को पता चलता है कि जो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 8 लेके हम लोग पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर बाद में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 9 लेके भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 8 जो 8 है उसको लेकर सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने ए की वैल्यू 2 तो 22 होगा, बी की वैल्यू 8 तो 88 होगी। अभी सी की वैल्यू अपने को निकालना है, तो यहाँ भी मैंने बी की जगह 8 लिखा है, तो अपने को सॉल्यूशन मिलेगा कि 22 + 88 इसकी वैल्यू है वो है 110 प्लस सी सी बराबर। तो इसके जो सॉल्यूशन आने के बाद अपने को क्या मिलेगा कि उसका आंसर है 28C बराबर। तो 28C आने के बाद हम लोग यूनिट प्लेस पे यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 0 प्लस सी की वैल्यू सी है, तो यूनिट प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करने से कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 प्लेस पे आएंगे। अभी 10 प्लेस पे आने के बाद अपने को पता चलता है कि 1 प्लस सी इसकी जो वैल्यू है 8 है। जैसे कि हम लोग आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि हम लोग 0 प्लस सी तो सी ही आना चाहिए, तो इसके ऊपर जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर ध्यान देने से कुछ भी मतलब नहीं, तो हम लोग जो है 10 प्लेस पे आएंगे। तो 10 प्लेस पे आने के बाद 1 प्लस सी जिसका जो आंसर है जो है कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 8 है, तो अपने को सी की जो वैल्यू है ये 7 मिलेगी। अभी हम लोग 7 जो है सी की वैल्यू 7 है ये लेकर उसका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं कि आते हैं कि देखते हैं। तो 22 + 88 + 77 इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 8 + 7 जो है 17, यहाँ एक कैरी करेंगे तो 10, 17 और 18 आएगा,
तो 187 आता है। इसका मतलब है कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 8 और C की वैल्यू 7, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग अभी A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 9 लेकर सॉल्यूशन हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 9 मतलब 1 और 9, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 9 लेकर सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। तो हम लोगों को मिलता है यहाँ 1 जो A की वैल्यू है, B की वैल्यू है जो 9, C की वैल्यू तो अपने को ढूंढनी है, और यहाँ भी मैंने A की वैल्यू और B की वैल्यू लिख लिए। अभी 11 प्लस 99 प्लस CC जो यहाँ से मैंने उठाया, 11 प्लस 99 प्लस CC इसका आंसर है 19C। तो हम दोनों को इस दोनों को मिला के अपने को मिलता है 110 प्लस CC बराबर है, जो इसका आंसर है 19C। अभी जो यूनिट प्लेस है उसके बारे में तो अपने को इतना सोचना ही नहीं, क्योंकि उसके आंसर तो सी आना है। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो भी 10 प्लेस पे। 10 प्लेस पे अपने यहाँ यहाँ 1 है और यहाँ सी है और यहाँ 9 है, तो अपने को मिलता है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 9, 1 प्लस सी बराबर 9। तो यहाँ से अपने को सी की जो वैल्यू मिलती है वो है 8, सी की वैल्यू 8 मिलती है। तो हम लोग ये 8 लेके सॉल्यूशन आता है कि देख सकते हैं 11 प्लस 99 प्लस 88 इसको ऐड करते हैं, 1 प्लस 9 आता है 10, 10 प्लस 8 18, एक यहाँ ऐड जो कैरी किया है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 8 जो है 19 और 198। तो ये है ए बी सी, यहाँ भी आया ए बी सी, तो यही अपना सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। थैंक यू।